आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मूंग और उड़द के किसान हुए परेशान। दरअसल देरी से मूंग और उड़द का पंजीकरण शुरू होने से किसान इस ओर रुचि नहीं ले रहे हैं। दरअसल पिछले वर्ष तक जहां जून में ही खरीदी शुरू हो जाती थी, वहीं इस वर्ष लेट लतीफ जुलाई के दूसरे पखवाड़े से पंजीकरण का कार्य शुरू हुआ है, जिसके चलते करीब 70% अन्नदाता मंडी या फिर अन्य जगहों पर मूंग और उड़द बेच चुके हैं। वर्तमान समय में जिस तरह के हालात बने हैं, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि शायद ही इस बार खरीदी केंद्रों तक पंजीकृत किसान पहुंचे। कमलनाथ ने कहा है कि एक बार फिर सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद का फायदा किसानों को नहीं बल्कि व्यापारियों को होगा। शिवराज सरकार चाहती भी यही है। एक तरफ तो भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुना करने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के किसान विरोधी निर्णय लेती है, जिससे मध्य प्रदेश में खेती घाटे का धंधा बनती दिखाई दे रही है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी पर सरकार को मूंग बेचने के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया था। जो किसान रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग बेच पाएंगे। वहीं बृहस्पतिवार को सीएम ने खुद कहा था कि मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन बाजार में इसका रेट काफी कम है। हम अपने किसानों से 7275 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर मूंग खरीदेंगे। सिर्फ किसानों की मूंग खरीदी जाएगी। उधर कटनी कृषि उपज मंडी में मूंग और उड़द की तेजी से आवक देखने को मिली है। रोजाना वहां पर 100 क्विंटल से अधिक मूंग। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि जब खरीदी का काम शुरू होगा तब इसका वास्तविक लाभ अन्नदाताओं को नहीं मिलेगा। ग्रीष्मकालीन फसल गहाने के बाद ही किसान विक्रय की तैयारी में लग जाते हैं। इस बार जून का सीजन चुनावी सरगर्मी में ही गुजर गया। वहीं खरीदी की तिथि में असमंजस को लेकर अधिकांश किसान मूंग और उड़द की फसल व्यापारियों को पहले ही बेच चुके हैं। दरअसल वर्तमान समय में बारिश का दौर शुरू होने से फिर से किसान खेती में जुट चुके हैं। ऐसे में केंद्रों तक किसानों को पहुंचाने में विभाग को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में बताया गया है कि यह स्थिति देरी से बनी है। यदि जून में ही खरीदी शुरू हो जाती तो किसान एमएसपी पर फसल विक्रय कर सही दाम पा लेता, लेकिन अब किसान बाजार में औने पौने दामों में अपनी फसल बेच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।